सर आप क्या संदेश लेकर आए हैं? महोदय आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृतस्य सेवनम संस्कृताय जीवनम व्यक्तित्वस्य साधनम संस्कृतम संस्कृतम। महोदय मेरा यह अभियान बहुत समय से चला आ रहा है कि उत्तराखंड में जितने भी संस्कृत के पद हैं वे पूर्ण रूप से भरे जाएं, क्योंकि ये दशकों से जो पढ़ाई चल रही है, अध्यापन चल रहा है, वो बगैर पदों के चल रहा है। और उत्तराखंड में जब आवंटन हुआ 9 नवंबर 2000 को, तो प्रवक्ता के कम 300 पद आवंटित किए गए उत्तराखंड में, जिनका बोर्ड से पंजीकरण हुआ परंतु स्वीकृत पदों के अभाव में हुआ, पद स्वीकृत नहीं थे और उन पर अध्यापन काम चलाओ चल रहा है और जो निरंतर बढ़ता हुआ लगभग 400 तक पहुंच गया है। और वहां पर अध्यापकों की पदोन्नति में भी बाधा हो रही है, यथासमय अध्यापकों की पदोन्नतियाँ नहीं हो रही हैं। उसी तरह से एलटी के जो पद हैं वे पद भाषा एक और भाषा दो में 1983 का जो अधिनियम था, शासनादेश था, उसके अनुरूप होने थे। उसके अनुरूप न होने के बजाय वे 1992 में जो अधिस्नातक सेवा नियमावली थी उसको परिवर्तन मान करके भाषा एक में ही दोनों पदों का हिंदी के माध्यम हिंदी विषय में ही केवल नियुक्तियाँ की गई और संस्कृत विषय में एलटी में कोई नियुक्तियाँ नहीं की गई, जो आज तक बढ़ता बढ़ता कम से कम 2000 विद्यालयों में उत्तराखंड के राजकीय विद्यालयों में अध्यापन बगैर पदों के चल रहा है, जो कि एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे उत्तराखंड के लिए और संस्कृत जगत के लिए। जहाँ तक संस्कृत द्वितीय भाषा की स्थिति है तो संस्कृत द्वितीय भाषा ही नहीं अभी तो हमारे लिए एक श्रेष्ठ भाषा है। आपका संदेश क्या है यहाँ पर? सृष्टाया सृष्ट्याम उत्तराखंडे संस्कृत मूल्यम आवश्यकम। जो ब्रह्मा की सृष्टि है, सृष्टा की सृष्टि है, उस सृष्टि में उत्तराखंड में संस्कृत का मूल्य सृजन मूल्य आवश्यक है। हर एक स्थान पर संस्कृत के सृजन को मूल्य, यत्र संस्कृतम तत्र संस्कृति, जहाँ संस्कृति होगी वहीं संस्कृति होगी। यदा संस्कृतम, जब संस्कृत है तभी उत्तराखंड भी है। महोदय अग्रे।